हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपनी बात करेंगे क्लास सेकंड की एक्सरसाइज सेकंड के बारे में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अपनी रिलेटेड है इवन एंड ओड नंबर से। ठीक है ना, इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। देखना ध्यान से, पहले इवन नंबर और ओड नंबर आप देख लो। इवन नंबर जो नंबर पेयर में होते हैं, टू टू के पेयर में होंगे। जैसे मान लीजिए मैं नंबर लिख रहा हूँ सिक्स, इसमें मैंने लिख दिया सिक्स, तो ये टू टू के पेयर में, यानी सिक्स है ना, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यानी पेयर टू टू के पेयर बन गए। यानी जिन नंबर के टू टू के पेयर बन जाते हैं वो होता है इवन नंबर, और जिनके पेयर जैसे फाइव है, जैसे फाइव है अपना, तो वन टू थ्री फोर फाइव, अब ये पेयर बन गया टू का, ये टू का पेयर, लेकिन ये एक बच गया, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। यानी जिन नंबर के पेयर नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर। ठीक है ना, अब मान लीजिए एट है, एट है, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब ये टू का पेयर बन गया, इस टू का पेयर बन गया, इन टू का पेयर बन गया, और इन टू का भी पेयर बन गया, यानी सभी क्या है, ये पेयर में है। यानी एट नंबर जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है ना, अब मान लीजिए थ्री, आप सबको बता, बिना लाइन ड्रॉ के बता दोगे भी इनमें टू का तो पेयर बन जाएगा, यानी वन टू थ्री, इस टू का तो बन जाएगा, लेकिन ये बन रह गया, तो ये ओड नंबर हो गया। समझा गई मेरी बात, ऐसे अपने को ये समझने हैं। ठीक है, जैसे अब इनको पहचानने का, जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर आ जाए 56, अब आप कैसे देखोगे, अब क्या आप लाइन ही लगाओ 56, नहीं लगेगी। तो इस अब इवन नंबर पहचानने का एक तरीका है, देखना ध्यान से, इवन नंबर पहचानने का एक तरीका है, वो बता देता हूँ आपको, लिख लेना आप नोटबुक में। ठीक है, इवन नंबर पहचानने का, इवन नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर के लास्ट में, जिन नंबर का लास्ट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट बोल दूँ या वंश वाला बोल दूँ, जीरो होगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, और एट होगा, वो कहलाएंगे सारे इवन नंबर। यानी जिन नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा वो या तो जीरो होगा, या टू होगा, या फोर, या सिक्स, या एट, वो तो कहलाएंगे मेरे इवन नंबर। रट लो आप माइंड में, सेट कर लो इनको, और बाकी जो भी कुछ हुआ लास्ट में वो कहलाएंगे मेरे ओड नंबर। यानी वन हो गया, थ्री हो गया, सेवन हो गया, ये किसी के लास्ट में मिलते हैं तो वो कहलाते हैं ओड नंबर, यानी जिनका पेयर नहीं बनता। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए मैंने बोला इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, बस इतने। अब मान लीजिए मैं बोल दूँ आपको 37, तो क्या ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ज़ीरो भी नहीं है, टू भी नहीं है, फोर भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, एट भी नहीं है। ठीक है ना, यानी ये हो गया अपना ओड नंबर। मैं बोल दूँ 38, तो हाँ ये इवन नंबर है, इनके पेयर बन जाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एट आ रहा है, तो ये इवन नंबर है। मैं बोल दूँ 30, ये नंबर थे मेरे, ये आप नोटबुक में लिख लो। ठीक है, यानी जो नंबर पेयर में होते हैं वो कहलाते हैं अपने इवन नंबर। यानी जैसे 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर, जिनके पेयर बन जाते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब सुनना, अब आप निकालिए बुक में पेज नंबर 32 पे। ठीक है, ये होमवर्क है अपना। जैसे पेयर दी ऑब्जेक्ट एंड राइट इवन और ओड इन दी ब्लैंक्स। अब ये अपने को पहचानने हैं, यानी जो नंबर हैं टोटल ये कौन से हैं, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, टू टू के पेयर बन रहे हैं, तो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इवन। यहाँ पे भी टू का बन गया, 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 ये भी क्या है, इवन नंबर है, यानी जिन नंबर के पेयर बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये वन रह गया, तो ये ओड नंबर हो गया। ठीक है ना, ओड नंबर होगा ये। ठीक है, इसमें इस टू का बन गया, आप गौर से देख लेना। ठीक है ना, इनका बन गया, इनका बन गया, ये रह गया, ये भी ओड नंबर बेटा, देख लेना, इनका पेयर नहीं बना टू टू का, एक लेफ्ट रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनको आपको देखना है ये कौन सा नंबर है, ये इवन है, दिख रहा है साहब में, इवन यानी जिनका पेयर बन जाता है टू टू का। ठीक है ना, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये अपने को बोतल दे रखी है,
इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका बन गया, इनका बन गया, यानी ये इवन नंबर है, जिनका पेयर बन जाता है वो इवन नंबर में आता है। ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट, पुट एज मैनी डॉट्स एज इंडिकेटेड बाई दी गिवन नंबर, यानी डॉट्स लगाने हैं नंबर के, जो नंबर दिया गया उसी हिसाब से डॉट्स लगाने हैं आपको। और कलर दी डॉट्स विच हैव डॉट्स इन पेयर, यानी उन पेयर्स को अपने को, उन डॉट्स को अपने को कलर करना है जो पेयर में है। अब क्या ये पेयर में है? बिल्कुल नहीं, ये पेयर में है, ठीक है ना। हाँ, ये पेयर में है तो आप इनको कलर कर दो, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में है। अब आगे जो नंबर दे रखे हैं उस हिसाब से आपको डॉट्स लगाने हैं। सेवन है तो सेवन डॉट्स लगाने हैं, जैसे सिक्स है तो मैं सिक्स डॉट लगा रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन डॉट लगा रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आप अच्छे से लगाना, ठीक है ना। मेरे वाले अच्छे से नहीं लग रहे तो आप अच्छे से डॉट लगाना है इनमें, ठीक है ना। जैसा दिया गया है, जितने नंबर बोला गया उस हिसाब से आप डॉट लगा दो, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अपने काउंटिंग करते हैं, मान लीजिए मैंने वन से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट किया, तो वन के बाद एक छोड़ के, यानी ये ओड नंबर है, ओड नंबर से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक नंबर छोड़ के आगे वाला नंबर ओड नंबर होगा, एक को छोड़ के आगे वाला, अगर अपने इवन से स्टार्ट करेंगे तो आगे वाला छोड़ के उससे आगे वाला क्या होगा, इवन नंबर होगा। समझा, जैसे वन, ये ओड नंबर स्टार्ट किया मैंने, तो आगे आएगा इवन नंबर, फिर आएगा ओड नंबर, फिर आएगा इवन नंबर, फिर आएगा ओड नंबर, ऐसे चलेंगे, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड, ऐसे चलेंगे नंबर, ठीक है ना। एक नंबर इवन, एक नंबर ओड, ठीक है। मान लीजिए मैंने इवन नंबर से स्टार्ट कर दिया, मैंने काउंटिंग इवन नंबर से स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो फिर इवन के बाद में ओड आएगा, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, ऐसे नंबर चलेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट जो अपना पेज है 33, इसमें देखना, राइट दी ओड नंबर जस्ट बिफोर, यानी 21 से पहले जो ओड नंबर आएगा, 21 से पहले जो ओड नंबर आएगा वो ओड नंबर लिखना है। 21 से पहले 20 आता है जो इवन नंबर है, फिर उससे पहले 19 आता है जो कि ओड नंबर है, हाँ 19 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 87 से पहले 86 आता है जो कि इवन नंबर है, अपने को ओड लिखना है। 87 से पहले 86 और फिर 85 आएगा इससे पहले, ठीक है। ऐसे अपने को ये लिखते चलना है, यानी 33 से पहले 32 आता है जो कि एक इवन नंबर है, इवन नंबर अपने को नहीं लिखना, इससे पहले आने वाले ओड नंबर अपने को लिखने हैं, ठीक है ना। तो 33 से पहले 32 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, और 31, ठीक है। 54 से पहले जो ओड नंबर आएगा, ये अपना इवन नंबर है, ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ गया, ठीक है। तो इसके पहले जो 53 आएगा वो क्या होगा, ओड नंबर ही होगा, ठीक है ना। ये खाली छोड़ रखे आपने, चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें 4, नहीं आप लिख लो इसमें 21, 21 से पहले आने वाला ओड नंबर आपको बताना है। 21 तो इसमें लिखा है, ये रहा, और कुछ लिख लेना आप, ठीक है ना, और उससे पहले आने वाला ओड नंबर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाकी जो रह गए अपने कल के वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।